अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज आपके दरमियान में मैं मोहम्मद यूसुफ दानिश, सीनियर कांग्रेस लीडर, कॉन्टेस्टेड कॉर्पोरेटर, एस्पिरेंट एमएलए बहादुरपुरा। सबसे पहले आप तमाम हमारे रेवंत रेड्डी साहब को, जितने भी आवाम है उन सबको जो है मैं दशहरे की मुबारकबाद पेश करना चाह रहा हूँ। मेरी तरफ से मुबारक आप सबको, मेरी तरफ से शुभकामनाएं। और साथ ही साथ अब इलेक्शन बहुत ही करीब आ चुका है, मेरा मकसद ये है कि आवाम को जो है आगाह कराना है कि इस वक्त एक एक वोट कितना कीमती है और कितना अहम है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि तेलंगाना में जैसा हमारे राहुल गांधी जी ने पदयात्रा कर घर घर पहुँच कर सच्चाई बताई, महंगाई बताई, महंगाई का मार बताया, इसी तरह हमारे तेलंगाना में रेवंत रेड्डी साहब आने के बाद जो कांग्रेस की लहर दौड़ी, कांग्रेस में ताकत और पावर आई हमारे रेवंत रेड्डी साहब की मेहनत और कावशों की तरफ से, तो मैं इसका जो है तमाम आवाम से ये बताना चाह रहा हूँ कि इलेक्शन अब करीब है, सब दौड़ में लगे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी को एक एक वोट देकर भारी अक्सर से कामयाब बनाइए, मैं आपका जो है शुक्रगुजार रहूंगा। इसलिए कि इस बार भी कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि आवाम में जो तकलीफ है उसको दूर किया जाए। जिस तरह से हमारी लॉकडाउन के बाद से आज भी हमारी कमर टेढ़ी है, सीधी नहीं हो पा रही है, ये कांग्रेस पार्टी जो 6 गारंटी वादे पब्लिक के दरमियान में लाकर बहुत ही अच्छा काम किए। जैसा कि बीआरएस ने नकल मारी, झूठी नकल मारी, वो बोलते हैं नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, उनको नाचने नहीं आया तो आंगन टेढ़ा बताना चाह रहे। लिहाजा मैं ये बोलना चाह रहा हूँ तेलंगाना की आवाम को, कांग्रेस को वोट दीजिए, एक एक वोट खून दिए। मैं जानता हूँ नौजवान बच्चे, माइनॉरिटी वाले, मेरे हिंदू भाइयों से, तमाम से मैं गुजारिश करता हूँ कि कांग्रेस को मजबूती के साथ, भारी अक्सरियत के साथ कामयाब बनाइए। और हमारे रेवंत रेड्डी जी जो मेहनत करे आपके दरमियान में आके, जितने कांग्रेस के पार्टी वर्कर थे अपने घरों में बैठे हुए थे, ये सोच रहे थे कि हमारी पार्टी में कोई ताकतवर बादशाह आएगा, कोई टाइगर आएगा, कोई भबर शेर आएगा, तभी हम जो उठेंगे जागेंगे, तो हमारे रेवंत रेड्डी जी का कदम हमारे तेलंगाना के लिए अच्छा साबित हुआ। उन्होंने आकर हमारे अंदर एक नई जोश की लहर पैदा की, नई ताकत उमंग पैदा करी। और आज देखिए हर जगह, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर जगह जो पब्लिक ये चाहती है कि हम कांग्रेस को वोट देंगे। बस कांग्रेस को वोट नहीं देने के लिए जो कह रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ हमारे बीआरएस खासतौर पर तेलंगाना को, कि जो वो जो जो वादे करे शादनगर में, जो शादनगर में वादा करे 12% में रिजर्वेशन दूंगा, 4 महीने के अंदर ही हमारी पार्टी को जीत के बताइए बोले। आज जो है ना 9 साल से ज्यादा हो गए, आज भी जो है ना वादा झूठा रहा। अब जैसा कि लोन 1 लाख रुपए का लोन में बताता चलो, 1 लाख लोन के लिए इतनी पब्लिक 1 लाख के लिए बेचैन थी, शायद हमारा सबको मिलेगा माइनॉरिटी का। जब देखा गया तो बोले हम जो है इसके क्या बोलते वो लक्की ड्रा के जरिए हम निकाल रहे। फिर अब हाउसिंग बोर्ड जैसा कि हाउस घरों का देने का वादा करे डबल बेडरूम, वो डबल बेडरूम भी जो ऐसा रहा कि उसको भी एक बार करे, पहले जब नहीं दे सके तो और एक बार इंक्वायरी करे, फिर जब नहीं दे सके तो और एक बार, यानी कि 3-3 बार इंक्वायरी करे। आप जाके देखिए जितने मुस्तहिक है उन किसी को भी जो है ना घर अलॉट नहीं हुआ, जिसके पास घर है उसको घर अलॉट हुआ, वो भी जो है उसको क्या निकलेगा हम उसी को देंगे। आप जाके पूछिए जितने ऑफिसरों से, भाई हमारा नहीं आया, पब्लिक पूछी हमारा नहीं आया, हमारा नहीं आया। अब आप कई पुराने शहर में मेरे से आके बोले भाई हमारा नहीं आया, आप करो, मैं बोला भाई आप वोट इनको देंगे, आगे कांग्रेस के जो है ना पास पूछेंगे, तो आप जो है ना टीआरएस को वोट मत दीजिए, कांग्रेस को वोट दीजिए। मैं आप सबको जो है आगाह करना चाहता हूँ, ये कांग्रेस पार्टी सेकुलर पार्टी है, गली से लेकर दिल्ली तक इसका पावर है, ये आपके लिए कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। लिहाजा जैसा कि हमारे असद भाई जो है एक बात बताए कि जो है हमारे केसीआर नए मामू से नकटे मामू सही, अब इसे अक्लमंद को इशारा काफी है। वो जैसा कि आप नकटे मामू, अगर आप नकटे बनना चाह रहे हैं तो नकटे मामू को वोट दीजिए आप, इससे साफ अंदाजा हो रहा है कि अब मजबूरी है कि आप उसको कैसा भी देख रहे, यानी कि मजबूरी की बात है, नए मामू से नकटे मामू से बोल रहे हो, तो नकटे मामू को आप नकटे बनना चाह रहे हैं तो नकटे मामू को वोट दीजिए। उनके वादे झूठे, डबल बेडरूम देखिए, आज भी बसों में जो इंतकाल हो गया जिसके पैसे ऑन ड्यूटी, उनके पैसे अभी भी नहीं मिले। मेरे पुराने शहर में जो मेरे पास कंप्लेन आते हैं, भाई हमारे हस्बैंड मर गए, हमारे को जो है पैसे पूछने गए तो हुकूमत के पास अभी पैसे नहीं आए, अभी 2 साल हो गए अभी तक पैसे नहीं आए।
आप बताइए कहाँ पे निकाल के बताएंगे हम, बोले तो जो वो ज्यादा हो जाएगा। हम इसलिए आवाम को जो बताना चाह रहे, ये बीजेपी सबसे नंबर वन झूठ है और सबसे हमारे तेलंगाना का नंबर वन झूठा केसीआर है। इसीलिए के पूरे सबूत है सफेद झूठ, यानी के वो सच्चे को भी जो है शर्म आ जाना अति सफेद झूठ बोलते। आप देखिए कोई भी वाक्य उनके मुकम्मिल नहीं हुए। हमारे जनाब मोहम्मद अली शब्बीर साहब कांग्रेस पार्टी में 2004 में जब इख्तदार किया है, हमारे मुसलमानों के लिए माइनॉरिटी के लिए इतनी जदोजहद करे, इतनी जदोजहद करे करके 4% रिजर्वेशन कोई बच्चों का खेल नहीं है भाई। आज देखो लाखों की तादाद में जो है ना फायदा हासिल हो रहा 4% रिजर्वेशन से। हाँ लीडर हो तो ऐसे लीडर होना, पुराने शहर हो या नया शहर हो या तेलंगाना हो, ये तमाम एक बार कांग्रेस को जिता कर देखिए। ये जो इस्तीमा थे आपके जरिए, कांग्रेस पार्टी के जरिए हमारे राहुल गांधी जी ने जो दिए वो बराबर आपके घर तक हम पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। आप हमारे साथ के मिलिए, कांग्रेस का एक एक थिंकी है भाई। आज की नौजवान नस्ल जाग उठी, मालूम हो गया सोशल मीडिया के जरिए। मैं सोशल मीडिया का भी बहुत शुक्र गुजार हूँ जो हर घर घर तक जो ना सच्चाई बताना चाहिए बता रही है। कई लोगों को सच्चाई से वाकिफ हो गए। अभी भी अगर इस बार आप नहीं देंगे तो आने वाली नस्ल जो है ना बहुत परेशान होने वाली है। लिहाजा बीजेपी को आप हटाइए, केसीआर को हटाइए, कांग्रेस को इख्तदार पे लाइए, फिर देखिए इंशाल्लाह। हमारी हमारा यकीन है ये कांग्रेस पार्टी बहुत ही वादा खिलाफी नहीं करती, वादे की पक्की और सच्ची है। आज तक जो जो वादे करे हमारे कांग्रेस पार्टी ने दी, और अभी भी जो 6 गारंटी वादे हैं आप देखिए, लेडीज को भी फायदा हो गया इसमें, स्टूडेंट को भी फायदा हो गया, घर में मतलब जो बूढ़े हैं उनको भी फायदा हो गया और गांव किसान वालों को भी फायदा हो गया। यानी घर बैठे अगर 4 औरतें हैं तो 4ों को भी 8,500 रुपए आएंगे। हमारे पास ऐसा नहीं है कि हम लकी ड्रा निकाल के आपको देंगे, हमारे पास कोई लकी ड्रा नहीं रहता भाई। हर जो मुस्तैक है वहां तक हमारे इस्तेमाल पहुंचाएंगे घर घर। हम भी जो है ना पुराने शहर भागीपुर में डोर टू डोर जो है ना हम कैंपेनिंग शुरू कर रहे हैं। मैं तमाम तेलंगाना से और इस दशहरे के मौके पर तेलंगाना से, तेलंगाना की आवाम से गुजारिश करता हूँ, जितने भी डिपार्टमेंट वालों से उनसे भी गुजारिश करता हूँ, कांग्रेस को भारी अक्षर से जिताइए। ये कांग्रेस पार्टी है, जय कांग्रेस, जय राहुल गांधी, राहुल गांधी जिंदाबाद। 90 में राजीव गांधी जी सद्भावना यात्रा थी तो मैं बहुत छोटा था, नाबालिग था, तो मैं भादुपुरे की रोड पे जो है हाईवे रोड पे जब देखा तो राजीव गांधी जी हाथ बताकर सबको जो है ना बाजू से पब्लिक थी देखा। मैं मेरे दिल में ख्वाहिश है कि मैं भी लीडर बनूंगा, कांग्रेस पार्टी का साथ दूंगा। मुझे 2 साल लगे लीडरों से चलने, तो 92 से मैं ज्वाइन हूँ। 92 से बराबर मैं कांग्रेस पार्टी में आज तक एक ही पार्टी में हूँ और एक ही काम कर रहा हूँ कि पब्लिक को आगाह करना कांग्रेस पार्टी के। हाल ही में आप गांधी भवन में रेवंत रेड्डी के खिलाफ भी बोले और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भी बोले, आपको सीट नहीं मिलने के, तो आपका रुझान क्या हो गया? देखिए बात सबसे दुरुस्त ये है कि ना तो मैं रेवंत रेड्डी जी के खिलाफ कभी गया ना जाऊंगा और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कभी गया ना जाऊंगा। और रहा एहतजाज का मामला, मैं अपना दर्द सुना रहा था मैं हमारे रेवंत रेड्डी जी को, रेवंत रेड्डी साहब मेरे साथ आप इंसाफ करिए। मुझे अभी भी यकीन है, मुझे अभी भी भरोसा है मेरे साथ पार्टी इंसाफ करेगी आज नहीं तो कल। और पार्टी जो भी एक्शन ली, मतलब जो भी चाह रही मेरे हक में फैसला, वो मुझे मंजूर है। मैं कभी नाराज हुआ नहीं और ना कभी नाराज रहूंगा, ना अभी भी नाराज हूँ कोई पार्टी से। और अगर किसी को मेरी तरफ से मैं भी इसमें शामिल था, मैं भी धरने में था, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अलग सेफ्टी बांटा था। अब बाकी कई पार्टी के लोग आए अपना अपना काम करे गए तो मैं उसमें शामिल नहीं हूँ। सीधा सीधा मैं अपना खुद का एहतजाज करा, मेरा बैठ सुन सकते, मैं ये बता रहा था मेरा दर्द है, मैं पुराना हूँ, मेरे साथ इंसाफ करो रेवंत रेड्डी साहब, आपने तो कौन करेंगे, बस ये बात मैं बताया। आपको सीट नहीं देखे, बहादुरपुर की सीट दूसरों को दे दीजिए, तो क्या आप उनके साथ आप काम करेंगे? बिल्कुल करेंगे सबके साथ, कांग्रेस पार्टी का काम करेंगे। हम कोई सूरत का काम नहीं करता, मैं पार्टी का काम करता हूँ। हमारे रेवंत रेड्डी जो हमारे को ताकत दी हमारे मोहम्मद अली शब्बीर साहब की वजह से हम कांग्रेस में आज, वरना हम कांग्रेस में कहाँ थे, हम कांग्रेस के इज्तिमा से वाकिफ है, हम आवाम तक पहुंचाएंगे। तो रहा मतलब उनके साथ काम करने का नहीं करना, बराबर हम पार्टी का काम करेंगे। सूरत का नहीं, पार्टी किसको भी दी वो पार्टी अच्छे के लिए दी, पार्टी से अच्छा फैसला हम नहीं कर सकते। पार्टी अच्छा फैसला करेगी, मेरे साथ भी अच्छा फैसला करेगी, मैं हमेशा कांग्रेस पार्टी के साथ ही काम करता रहूंगा और कांग्रेस पार्टी में भी काम करूंगा इंशाल्लाह। कभी कोई पार्टी में जाने का काम लोहे के चने चाबेंगे अपोजिशन पार्टी वाले, इसलिए कि हर नौजवान नस्ल आप किसे भी पूछ लो, मैं खुद निकल के पब्लिक में पूछा हूँ भाई आप किसको, भाई कांग्रेस पार्टी आएंगी, भाई कांग्रेस पार्टी आएंगी 99% वही बोल रहे। केसीआर न्याय का मतलब क्या, दूसरी पार्टी क्या भाई, वो लोग कुछ काम ही नहीं किए,
ना तो कोई मजहब के काम में आए, ना तो कोई माइनॉरिटी के काम में आए, ना जो जो वादे करे कुछ नहीं, सिर्फ वो भी क्या करे पट्टे साड़ियां वो किलो के हिसाब में 30 रुपए बीच में निकला था राशन का, राशन की दुकान पे रख के पट्टे साड़ियां दे दे रहे थे, फिर क्या बोले तो मैं सीएम हूँ, ये सीएम का तरीका पट्टे साड़ियां देना छोटे किलो के हिसाब से ला गया। दूसरी बात, कांग्रेस सिलेंडर देगी? बिल्कुल देगी 500 रुपए में। कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है, मजबूत पार्टी है और वादा भी मजबूत है उनका, जैसा पार्टी है वैसा वादा है। अभी तक जो जो वादे करे पक्के वादे करे, वादे कर रहे हैं 400 रुपए में जो सिलेंडर देंगे। हाँ तो केस भी वादे कर, बिल्कुल बिल्कुल देखिए वो बोल देना नाचना, बोल देना नाचना जाने आंगन टेढ़ा, उनको सियासत करना नहीं आता, समझे आप, सियासत अगर उनको आती ही तो आप कोई भी जो पब्लिक के सामने ऐसी बोल देना बच्चों का खेल नहीं है। कोई सियासी पार्टी सीएम है और सीएम साहब ऐसा बोलना कि मैं जो है 4% या 12% रिजर्वेशन ला दूंगा, मैं दलित बंधु दे दूंगा, मैं जो है ना माइनॉरिटी बंधु दूंगा, ऐसा कुछ भी काम नहीं हुआ। लोगों को सड़कों पर फिरा के अभी तक डेवलपमेंट भी कुछ नहीं हुआ, सिर्फ अपने जो है ना खानदान को अख्तदार पे बिठाने के चक्कर में अपने जो है ना पाए मजबूत करने, बीजेपी के जो है डर से, बीजेपी से अलायंस है ये जमाते हैं, इन लोगों से देना ये जो है फिर मुसीबत पाल लेने के बराबर है। मैं चाहता हूँ आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि आप अभी होशियार हो जाइए, आज का नौजवान बच्चा पढ़ा लिखा है, छोटे छोटे बच्चे पढ़े लिखे उनको अच्छी तरह मालूम है अच्छा क्या है बुरा क्या है, इस बार जरूर कांग्रेस को जिताएंगे दिल्ली में भी और यहाँ तेलंगाना भी अच्छे इख्तियार पे आएंगे इंशाल्लाह। राहुल गांधी जी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, हमारे रेवंत रेड्डी साहब जिंदाबाद, मोहम्मद अली शब्बीर साहब जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद।